जगदम्बा बुहारी के दरबार में आप सभी को बारंबार प्रणाम। बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि माँ भगवती के चरणों में आज हम सभी को हमारे प्रधानमंत्री के लाला जी बागड़वा के साथ आप सभी से भी दर्शन करने का मौका मिला और माँ भगवती के चरणों में शीश निवाने का मौका मिला। क्योंकि आज आप सभी लोग माँ भगवती का जागरण और भजन सुनने ही पधारे हैं तो हम आपके बीच में इस तरह की बाधा बनना नहीं चाहते। हम तो माँ भगवती के चरणों से आप सभी की जीवन की खुशहाली की कामना करते हैं कि हे माँ भगवती सारे भक्तों का जीवन सुख करे, समृद्धि प्रदान करे और इनका स्वास्थ्य अच्छा रखे और इनकी मनोकामना पूरी करे। बोलो जय माँ भगवती की। सिंधी के प्रधान श्री के दयाल जी बंगलवास माँ भवानी के दरबार में मेरा सत सत बारंबार प्रणाम और दूर दराज से गांव से पधारे सभी मेरे सामने बैठे मेरे नौजवान साथी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग और इस साइड में बैठी माता शक्ति मेरी माता और बहनों, ये नवरात्रा का महीना है। माँ भगवती जरूर यहाँ वास कर रही है क्योंकि दूर से लोग चल के आ रहे हैं। यहाँ के पंचायत समिति के मेंबर मेरे बड़े भाई परम सम्मानीय कल्याण सिंह जी शेखावत, आपके यहाँ के सरपंच श्री पप्पू जी धन्यवाद और भवनाथ जी और सभी सम्मानित जितना भी गणमान्य व्यक्ति और कलाकार, आपका तो मुकाबला ही नहीं है। माँ भगवती नवरात्रा में एक स्त्री की तरह अपना नौ रूप दिखाती है। जब से वो पैदा होती है और जब तक वो चलती रहती है पूरे रूपों में हर रूप में आपके सामने आती है। जो आदमी सच्चे मन से मांगता है नौ दिन में एक बार जरूर उसके दरबार में उसके घर में उसकी आत्मा में आके जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। आप सब पधारे और हमारे साथ में आपके यहाँ के बहुत ही कर्मठ और ऊर्जावान और सत्य को सत्य कहने वाले काम में विश्वास रखने वाले परम सत्य पंडित भवनलाल जी शर्मा भी पहुंचने वाले थे लेकिन बहुत जरूरी काम से वो दिल्ली चले गए। मेरे को दो बार उन्होंने फोन किया कि प्रधान जी आप जरूर जाओगे, मेरे बहुत जरूरी काम हो गया पार्टी के कोई काम से मैं दिल्ली आ गया हूँ। मेरा वो कल आए थे जयपुर से आज आने के लिए लेकिन फिर रात को निकल गए इसलिए वो नहीं आ सके। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ये आशीर्वाद जो भी है वो मैंने आपके यहाँ जो आयोजन करता हूँ उनको लिखा दिया है और आप लोगों ने बुलाया मान सम्मान किया, ये आपका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। सभी शांति से जागरण सुनेंगे और माँ भगवती से माँ भवानी से प्रार्थना करता हूँ कि इस साल तो काल में रख दिया लेकिन माँ भवानी अगली बार मन जरूर जमानो देवे। पूरे चितड़ी गांव के लोग हमेशा खुश रखे स्वस्थ रखे यही मेरी प्रार्थना है। जय माँ भवानी की।